5 best mobiles under rupees 12,000 in India. क्या आप एक decent mobile देख रहे हैं 10 से 12,000 रुपए की range में? तो आप सही जगह आए हैं. इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 mobiles के बारे में बताया है जिनको आप बिना कोई confusion के खरीद सकते हैं. साथ में उनकी कमी और खूबियां भी बताई गई हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें. दोस्तों, आप मेरी वेबसाइट gadgetsigma.com पर भी विजिट कर सकते हैं. वहाँ आपको इस टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में डिटेल्ड आर्टिकल मिल जाएगा और साथ में कंपैरिजन टेबल भी. लेटेस्ट मोबाइल्स, लैपटॉप्स, हेडफोन्स, LEDs, टिप्स एंड ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, नए और अनोखे गैजेट्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल gadgetsigma को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले. ये वीडियो अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल gadgetsigma को जरूर फॉलो करें. दोस्तों, इन मोबाइल्स के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं और ऑफर्स भी चेंज होते रहते हैं, इसलिए इन सभी मोबाइल की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जहां आप इनकी अवेलेबिलिटी और इनके लेटेस्ट प्राइस और इन पर चल रहे ऑफर्स जिसमें कैशबैक, डिस्काउंट और एक्सचेंज चेक कर सकते हैं. इस सेगमेंट का पहला मोबाइल है रेडमी नोट 8. ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2019 में. बॉक्स में आपको मिलता है पावर एडेप्टर, USB केबल, सिम इजेक्टर टूल, वारंटी कार्ड, यूजर गाइड और एक सॉफ्ट केस. इस मोबाइल का डिस्प्ले साइज है 6.3 इंचेस, प्रोसेसर है 2.0 GHz, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टाकोर, रैम है 4GB, स्टोरेज है 64GB, इसका फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल, रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल और इसकी बैटरी है 4000 mAh. प्रोज एंड कॉन्स. दोस्तों, इस प्राइस में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा विद ब्यूटीफाई सपोर्ट. ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, इसका बैटरी बैकअप अच्छा है, गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है. हीटिंग इसमें तभी होती है जब आप कोई हेवी गेम्स खेलते हैं और बहुत देर तक. इसमें आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट, एक मेमोरी कार्ड के लिए और बाकी दो सिम कार्ड्स के लिए. और इस प्राइस में ये फ़ोन इस कीमत में एक अच्छा ऑप्शन है और इस फ़ोन की कीमत है ₹9,999. अगला फ़ोन है Redmi Note 7 Pro. ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2019 में. बॉक्स में आपको मिलता है हैंडसेट, सिम इजेक्टर टूल, सॉफ्ट केस, मैनुअल, एडेप्टर और डेटा केबल. इसका डिस्प्ले है 6.3 इंचेस, प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 ऑक्टाकोर, रैम है 4GB, स्टोरेज है 64GB और इसका फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल और रियर कैमरा है 48+5 मेगापिक्सल जो कि ड्यूअल कैमरा है और इसकी बैटरी है 4000 mAh. प्रोज एंड कॉन्स. दोस्तों, इस मोबाइल में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है. इसमें मिलता है आपको टाइप सी चार्जर फॉर फास्ट चार्जिंग और साथ में मिलता है IR ब्लास्टर. इसमें EIS वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर है जिससे होगा ये कि जब आप कोई फ़ोटो लेते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं और अगर फ़ोटो में ब्लर आ गया या वीडियो में थोड़ी सी शेकीनेस आ गई या थोड़ी ज़्यादा आ गई तो ये फीचर इसको मिनिमाइज करता है. और इसमें आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट, एक मेमोरी कार्ड के लिए और बाकी दोनों सिम कार्ड्स के लिए और इसका प्राइस है ₹10,400. अगला मोबाइल है वीवो U20. ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2019 में. बॉक्स में आपको मिलता है यूजर मैनुअल, माइक्रो USB टू USB केबल, USB पावर एडेप्टर, सिम इजेक्टर पिन और एक प्रोटेक्टिव केस. इसका डिस्प्ले साइज है 6.53 इंचेस, प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 AIE ऑक्टाकोर, रैम है 6GB, स्टोरेज है 64GB, इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल और रियर कैमरा है 16+8+2 मेगापिक्सल जो कि ट्रिपल कैमरा है और इसकी बैटरी है 5000 mAh. प्रोज एंड कॉन्स. दोस्तों, इस सेगमेंट का ये इकलौता ऐसा मोबाइल है जो 6GB रैम के संग आता है जिससे आपकी गेमिंग और मल्टीटास्किंग बहुत स्मूथली होगी. इसकी बैटरी काफ़ी बड़ी है 5000 mAh की जो आपको एक अच्छा बैकअप देगी. स्क्रीन साइज काफ़ी बड़ा है अराउंड 6.5 इंचेस का जिससे आपको गेम्स जैसे पबजी या फ्री फायर खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा और वीडियोस भी आप काफ़ी इंजॉय करेंगे. इसका डिस्प्ले फुल HD है, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, इसका कैमरा डिसेंट है. ये मोबाइल एक वैल्यू फॉर मनी मोबाइल है. दोस्तों, इसमें अगर आप 40 से 45 मिनट तक कोई हैवी गेम्स खेलेंगे तो ये हीटिंग प्रॉब्लम देता है और इस मोबाइल में आपको बहुत प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस भी मिलते हैं जो भरे पड़े हैं, लेकिन इस प्राइस में ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है और इसका प्राइस है ₹11,990. अगला मोबाइल है रियलमी 5S. ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2019 में. बॉक्स में आपको मिलता है हैंडसेट, एडेप्टर, माइक्रो USB केबल, बुकलेट, वारंटी कार्ड, क्विक गाइड, सिम कार्ड टूल और एक स्क्रीन प्रोटेक्टिव फिल्म और एक केस.
इसका डिस्प्ले है 6.5 इंचेस, प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, रैम है 4GB, स्टोरेज है 128GB, कैमरा है इसका फ्रंट 13 मेगापिक्सल, रियर है 48+8+2+2 मेगापिक्सल जो कि क्वाड कोर कैमरा है, और इसकी बैटरी है 5000 mAh। प्रोज एंड कॉन्स, दोस्तों इस सेगमेंट का ये इकलौता मोबाइल है जो आपको 128GB के इंटरनल मेमोरी देता है, बैटरी बड़ी है जिससे आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा, इसका कैम अच्छा है जो कि क्वाड कोर है 48 मेगापिक्सल का। ये गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा गेमिंग करने पर यह हीटिंग प्रॉब्लम देता है। इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है और बड़ा भी, 6.5 इंचेस का। इन कंक्लूजन, इस प्राइस में ये एक अच्छा ऑप्शन है और इसका प्राइस है ₹10,999। इस सेगमेंट का आखिरी मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी M30। ये लॉन्च हुआ था मार्च 2019 में। बॉक्स में आपको मिलता है ट्रैवल एडाप्टर, USB केबल, सिम इजेक्टर पिन और एक यूजर मैनुअल। इसका डिस्प्ले है 6.4 इंचेस, प्रोसेसर है 1.8 GHz एक्सिनोस 7904 ऑक्टाकोर, रैम है 4GB, स्टोरेज है 64GB, इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल, रियर कैमरा है 13+5+5 मेगापिक्सल जो कि ट्रिपल है, और बैटरी है 5000 mAh। प्रोज एंड कॉन्स, दोस्तों सैमसंग लवर्स के लिए ये फोन इस बजट में बेस्ट ऑप्शन है। आपको मिलता है अच्छा बैटरी बैकअप, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि फुल HD है, टाइप सी चार्जर जिससे आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी, डिस्प्ले बड़ा और अच्छा है, कैमरा डिसेंट है और मोबाइल काफ़ी लाइट वेट है। ये स्प्लैश प्रूफ नहीं है और ये थोड़ा स्लिपरी भी है, लेकिन एक बैक कवर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता है। ये एक वर्थ द मनी डील है और इसका प्राइस है ₹11,999। दोस्तों कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल गैजेट सिग्मा को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।